दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट ले लेते हैं, हमें सीट अलॉट हो जाती है, अगर स्टेट में सीट अलॉट होती है तो ऑल इंडिया की सीट कैसे छोड़ सकते हैं, या ऑल इंडिया में अलॉट होती है तो स्टेट की सीट कैसे छोड़ सकते हैं, क्या रूल है फर्स्ट राउंड सीट छोड़ने के, क्या रूल है सेकंड राउंड सीट छोड़ने के या ज्वाइन करने के, तो सारे डाउट इस वीडियो में हम दूर करेंगे आपके। लेकिन कल के सेशन में मैं आपको यह बताऊंगा कि क्या दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप दूसरे स्टेट के मॉपअप में इलिजिबल हैं क्या, तो कल वाला वीडियो बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि कल का आपको इस विषय में मैं सारा डाउट दूर करने वाला हूं जो काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट का डाउट है ये। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि सीट प्रोसेस होता क्या है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड इसमें कैसे सीट प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मैंने आपको मेरी बुक में भी बताया था कि दो प्रकार की काउंसलिंग अथॉरिटी हैं, सबसे पहले एमसीसी और उसके बाद में स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, यही एडमिशन करवाती है, इसके अलावा और कोई अथॉरिटी नहीं है जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए इंडिया में एडमिशन करवाए। दोनों में जो काउंसलिंग रूल हैं वो सेम ही है, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर का छोड़ने का, ये एमसीसी में भी सेम है, फर्स्ट सेकंड मॉपअप में और स्टेट में भी सेम है। फर्क इतना ही है कि जो एमसीसी की सिक्योरिटी अमाउंट, जो एमसीसी का डिपॉजिट होता है वो 2 लाख रुपीज होता है, और जो स्टेट का सिक्योरिटी अमाउंट होता है प्राइवेट कॉलेज के लिए वो 1 लाख होता है। जो एमसीसी का होता है 2 लाख वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होता है, बाकी सिक्योरिटी मनी जो गवर्नमेंट के लिए है वो जनरल के लिए 10,000 है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 5,000 है। तो हम सबसे पहले इन दोनों के राउंड्स की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होती है, इसके बाद में फर्स्ट राउंड के बाद में सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है, और इसके बाद में मॉपअप की काउंसलिंग होती है। तो ये 3 प्रकार की काउंसलिंग एमसीसी द्वारा भी की जाती है और तीनों प्रकार की काउंसलिंग स्टेट द्वारा भी की जाती है। अब एमसीसी द्वारा 2 राउंड की काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस के लिए की जाती है और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए की जाती है। जो एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती है, फर्स्ट और सेकंड राउंड की, उसमें जो वैकेंट सीट रहती हैं उसको फिर सेकंड राउंड से वैकेंट सीट को स्टेट में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट राउंड की। तो इसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, पहले एमसीसी का फर्स्ट राउंड अलॉट होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड की सीट अलॉट होगी एमसीसी की। इसमें ज्वाइन होने के बाद स्टेट के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की जो लिस्ट है वो अलॉट हो जाती है, उसके बाद एमसीसी का सेकंड राउंड होगा और उसके बाद स्टेट का सेकंड राउंड होता है। इसमें जो एमसीसी की बची हुई सेकंड राउंड से सीटें हैं इस सेकंड राउंड में आती हैं। फिर इसके बाद में इसमें जो मॉपअप होता है वो डिम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होता है, और जो इसमें मॉपअप होता है वो स्टेट की गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का होता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट राउंड के रूल की। तो एमसीसी के फर्स्ट राउंड के रूल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड पहले अलॉट होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट राउंड में जिन स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया है उस प्रेफरेंस में उसको जो सीट अलॉट होती है उस सीट पर अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो उसके पास में 2 कंडीशन है। अगर किसी स्टूडेंट को एमसीसी के फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक या तो उस सीट पर वो ज्वाइन करे या फिर उस सीट को वो छोड़ दे, यानी कि उस सीट के लिए रिपोर्ट ही ना करे, वहीं रुक जाए, वो उधर ही छोड़ दे। अगर वो कॉलेज में जाके ज्वाइन करता है फर्स्ट राउंड में तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो उस सीट को वो अपग्रेड करवाना चाहता है या उस सीट पर वो एज इट इज
एडमिशन लेना चाहता है, उसी सीट को रखना चाहता है, उसी पर वो एमबीबीएस करना चाहता है, आगे अपग्रेड नहीं करना चाहता है, तो इस कंडीशन में उसको वहां रिपोर्ट करके ज्वाइन करके एडमिशन लेना होगा। अगर वो अपग्रेड करना चाहता है तो उस कॉलेज में उसको एक ऑप्शन फॉर्म देना होगा जिसमें ये लिखा होगा कि मैं सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, उसको एक विलिंगनेस सर्टिफिकेट, उसको ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं, वो उसको वहां पर देना होगा, तो वो सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल हो जाएगा। अगर वो रिपोर्ट नहीं करता है तो भी वो सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल है, क्योंकि फर्स्ट राउंड एग्जिट राउंड है। अब इस राउंड में अगर जो बंदा ज्वाइन नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जिट राउंड है, जो उसने सिक्योरिटी मनी जो डिपॉजिट की है वो उसको वापस मिल जाएगी, उसका उसको कोई नुकसान नहीं है, सेकंड राउंड के लिए भी इलिजिबल है और वो अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड में भी इलिजिबल है, उसको किसी प्रकार का कोई फर्स्ट राउंड में नुकसान नहीं है। अगर जिस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुई है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कंडीशन हो गई फर्स्ट राउंड की, यानी कि या तो आपने सीट छोड़नी है या सीट ज्वाइन करनी है। अगर आप सीट ज्वाइन करोगे तो वहां आपको ऑप्शन फॉर्म देना पड़ेगा, अगर आप ऑप्शन फॉर्म में यस करते हैं तो सेकंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं उस सीट को, अगर उसमें ऑप्शन में आप नो देते हैं तो वो आपका उस सीट पर एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। अब बात करें हम सेकंड राउंड की, तो सेकंड राउंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट इलिजिबल हैं? तो एक तो जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है वो इलिजिबल हैं, और दूसरा जिन्होंने ऑप्शन फॉर्म भर रखा है वो इलिजिबल हैं, तीसरे जो फेस कैंडिडेट हैं यानी कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है वो स्टूडेंट भी सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल हैं। तो तीन प्रकार के स्टूडेंट इस सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल हैं। अब सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो यहां पर आपकी दो कंडीशन है, सीट अलॉट होने के बाद दो कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि सीट अलॉट होने के बाद आप इस सीट को छोड़ना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इस सीट पे नहीं जाना चाहता क्योंकि आपको स्टेट में कहीं सीट मिल गई है, तो आप इस सीट को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है आपका, आपने सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट किया है वो आपको नहीं मिलेगा, वो फॉरफिट हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये है कि आप सीट छोड़ सकते हैं, कॉलेज में रिपोर्ट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेकंड राउंड में अलॉटेड सीट को छोड़ना नहीं चाहते, उस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जाकर के ज्वाइन करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं और डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने के बाद आपने उस सीट पर एडमिशन लेना है। अब उस कंडीशन में अगर आप सेकंड राउंड में अलॉटेड सीट पर ज्वाइन कर लेते हैं तो आगे आप फर्दर किसी भी काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उस सीट को नहीं छोड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का 267/2017 का ऑर्डर है 9 मई 2017 का। तो आप उस सीट पर एक बार सेकंड राउंड की सीट पर ज्वाइन कर लेते हैं, उस सीट को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। दूसरा, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है और उस पर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो उस सीट को छोड़ सकते हैं, आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी वहां फॉरफिट हो जाएगी। अब एक दूसरा कारण, अब जो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली, जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली और वो ये चाहते हैं कि सेकंड राउंड में उस ज्वाइन सीट को वो छोड़ना चाहते हैं, उन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया है, अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया, फर्स्ट राउंड में सीट ज्वाइन कर ली, उसके बाद उनको कहीं स्टेट में और कहीं सीट अलॉट होगी उसको वो छोड़ना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड का जब रिजल्ट अनाउंस होता है, सेकेंड राउंड का रिजल्ट अनाउंस होता है,
उसके दो दिन के अंदर अंदर उसको फर्स्ट राउंड की ज्वाइंट सीट को छोड़नी होगी, अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो सीट छोड़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन भी दे दिया और वो सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं करना चाहते, उनका मन बदल गया, उनको कहीं दूसरी जगह मिल रही है या फिर उनको ये हो रहा है कि मैं फर्स्ट राउंड की सीट ही लेना चाहता हूं, सेकंड राउंड में मैं पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कॉलेज में पहले अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दिया, तो इस कंडीशन में उन स्टूडेंट को सेकंड राउंड में दोबारा से फ्रेश चॉइस नहीं फिल करनी है। वो कोई भी चॉइस अगर फिल नहीं करेंगे तो सेकंड राउंड में उनको कोई सीट अलॉट नहीं होगी और फर्स्ट राउंड की सीट उनको मिल जाएगी, वो एज इट इज रहेगी। अब दूसरी कंडीशन यह है कि जिन स्टूडेंट ने राउंड फर्स्ट में अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया था और उनको सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड हो गई है, तो पहले राउंड की सीट वो कैंसिल हो जाएगी, वो किसी दूसरे स्टूडेंट को मिल जाएगी और उनको दूसरे राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उस पर एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन उस पर एडमिशन लेने से पहले एमसीसी की वेबसाइट पर कॉलेज द्वारा एक जो रिलीविंग लेटर है वो लेटर लेके फिर न्यू कॉलेज में जो सेकंड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट हुई है उसमें रिपोर्ट करना होगा। तो ये कंडीशन है सेकंड राउंड के लिए उन कैंडिडेट के लिए जिनको फर्स्ट राउंड में सीट कैंसिल होके सेकंड राउंड में अपग्रेड हुई है। अब हमारे पास एक डाउट और रहता है फर्स्ट राउंड का कि जो फर्स्ट राउंड में उनको सीट अलॉट हुई है क्या वो उस सीट को वो वापस ले सकते हैं क्या? तो दोस्तों एक बार आपने अगर चॉइस फिल कर दी सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए तो उसको आप फर्स्ट राउंड वाली सीट वो किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी अगर आपकी सीट सेकंड राउंड में अलॉट होती है तो उस कंडीशन में आपको सेकंड राउंड के रूल ही फॉलो होंगे, फर्स्ट राउंड की सीट आपकी ऑटोमेटिक कैंसल्ड हो जाएगी। अब इसके बाद में हम एक डाउट हमारा और आता है कि जैसे मान लो हमने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली और उसके बाद हम उस सीट को हमारे को एक सीट मिल गई इसमें सेकंड राउंड में हमारे को सीट मिल रही है स्टेट में, तो हम इसको छोड़ने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश होने के दो दिन के अंदर अंदर ही उस सीट को छोड़नी है। उस कंडीशन में आप जब सीट छोड़ोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है सेकंड राउंड में जो आप उस समय की सीट छोड़ रहे हैं फर्स्ट राउंड वाली, तो आपकी सिक्योरिटी मनी उस समय भी फॉरफिट हो जाएगी, यानी कि आपको वो नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन है फर्स्ट और सेकंड राउंड की। अब हम इसमें बात करते हैं आगे कि मोपअप राउंड में फिर कौन कौन से कैंडिडेट इलिजिबल हैं। तो मोपअप राउंड चाहे स्टेट का मोपअप राउंड हो या फिर एमसीसी का मोपअप राउंड हो, जिन कैंडिडेट को फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई वो मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके लिए मोपअप राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मोपअप राउंड में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है। उसके बाद एक वो भी स्टूडेंट मोपअप राउंड में इलिजिबल है जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट छोड़ दी है, वो सीट ज्वाइन नहीं किया है, उस पर वो एग्जिट हो गए हैं, रिपोर्ट नहीं किया है कॉलेज में सेकंड राउंड में, लेकिन उनको मोपअप राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके फी दोबारा से पे करनी होगी क्योंकि सेकंड राउंड की फीस उनकी फॉरफिट हो गई थी, इसलिए उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा और नए रूल फॉलो करने होंगे। उनको मोपअप राउंड में सीट मिलेगी
तो अगर सीट वैकेंट रहेगी तो उनको सीट मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार के ये डाउट्स थे, मैं सोचता हूं कि ये डाउट आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको लास्ट में एक सजेशन ये देना चाहता हूं कि अगर आपने ऑल इंडिया या स्टेट की कोई भी सीट लेनी है तो सेकेंड राउंड को बिल्कुल क्लियरली आपको वही सीट लेनी है जिस पर आपने ज्वाइन करना है, नहीं तो आप अगर सीट छोड़ते हैं सेकंड राउंड की तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, ज्वाइन कर लेते हैं तो आप कहीं दूसरी जगह के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने सेकंड राउंड चाहे स्टेट का हो चाहे एमसीसी का हो, बिल्कुल सोच समझ के आपने सेकंड राउंड की च्वाइस फिल करनी है। मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है, ये इंफॉर्मेशन मैंने एमसीसी की वेबसाइट से ली है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, क्योंकि जो आप चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उसके नाम पर एक ऑथेंटिक की मोहर लगी हुई है। मैं कोई व्यूज कमाने के लिए इस प्रकार के कोई वीडियोज वगैरह नहीं बनाता, मेरे को सिर्फ स्टूडेंट के हित में ही वीडियो बनाने की इजाजत मैं अपने आप से लेता हूं। और अगर इंसान अपने आप में सही है तो वो दुनिया की नजर में भी सही है, यानी कि इंसान को अपने आप में कभी नहीं गिरना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको सारी कंडीशंस सारी इंफॉर्मेशंस इसमें आज सेशन टू में दे दी है। कल के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या आप मोपअप राउंड में किसी दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनकी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए या फिर नहीं कर सकते, उनके लिए क्या कंडीशन है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किन किन कॉलेजों के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये मैं आपको कल के सेशन में बताने वाला हूं। अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैंने सारी इंफॉर्मेशन बुक में दे दी है, आप बुक डाउनलोड करके उससे भी देख सकते हैं, बाकी मैं वीडियो में भी आपको साथ साथ बताता जाता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।